अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील बिस्मिल्ला नगर या ठिकाणी हाजी सय्यद करीम वेअरफेल एज्युकेशन सोसायटी संचलित विनामूल्य शिवण क्लासेस व महिलांसाठी ज्ञानवर्गाचा उद्घाटन सोहळा नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षा साधना महाजन यांच्या हस्ते करण्यात आला। या प्रसंगी आत्मा समिती अध्यक्ष जितेंद्र पाटील, जामनेर पोलीस स्टेशनचे PI प्रताप इंगळे, सर्व सन्माननीय नगरसेवक तसेच लाभार्थी महिला उपस्थित होत्या। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العظيم। हमारे राज्य में कुशलता के कदम नाम से महिला सक्षमीकरण को लेकर एक बुनियादी पहल बीते 10 सालों से चल रही है। इसके आधार पर महिलाओं के लिए बचत गढ़ योजना और विविध योजना जिसके तहत हमारी महिलाएं, माता, बहनें खुद के छोटे छोटे उद्योग शुरू कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही है और आदमी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। इसी से प्रेरित होकर हाजी सय्यद करीम वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा हम लोगों ने, सभी पदाधिकारियों ने मिलकर शिवण क्लास की पहल शुरू की है और साथ ही शिक्षण वर्ग भी शुरू किया है कि जिसमें मेरी जो बहन माँ जिनको सिर्फ अंगूठा आता है वो अपना नाम लिख सके और कुछ पढ़ना सीख सके। क्योंकि आज हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज़ को महत्व दिया जाता है तो वह पढ़ाई शिक्षण। इसके जरिए हमें शासन की नई नई योजनाओं का पता चलता है और हमारे लिए क्या सही क्या गलत इस चीज़ का पता चलता है। इसके लिए हमने खासकर समाज की महिलाओं के आर्थिक सदर मजबूती प्रदान करने के लिए हमारी एक छोटी सी कोशिश की है और हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी महिलाएं इस पहल का लाभ लें और साथ ही भविष्य में राज्य की राज्यभाषा मराठी का समाज में अच्छे तरीके से प्रचार हो, हमारी आने वाली पीढ़ी और खासकर विद्यार्थी मराठी पढ़ लिख सके, बोल सके और उसे सही तरीके से उसे अपने अंदर डाल सके। इसलिए आने वाले दिनों में हम मुफ्त मराठी क्लासेस और मराठी टाइपिंग शुरू करने वाले हैं। इसके लिए हमें मदद लगेगी हमारे आज जो राज्य के होने वाले मुख्यमंत्री और हमारे तालुके के मंत्री साहब है उनके हमें इसमें मदद की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो काकू आज हमारे सामने है तो वो जरा बहुत से बोलेंगे तो हमें कुछ मदद मिलेंगी इसके अंदर। इतना बोल के खत्म करता हूँ। में आज के प्रोग्राम की बयान कर रहे थे, आइए जो स्टेट कशी शर्मा हाजरीन हैं उनका इजहार ख्याल सुनते हैं। मैंने संयुक्त में सबसे पहले जामनेर पुलिस स्टेशन के PI मोहतरम प्रताप इंगळे साहब है, मैं उनको मधु करता हूँ कि अल्फाज में कहाँ आती है कैफियत दिल, अल्फाज में कहाँ आती है कैफियत दिल, महसूस जो होता है बतलाया नहीं जाता। आपके सामने इस सुनहरे मौके पर हाजी सय्यद करीम वेलफेयर सोसायटी के द्वारा आयोजित शिवण क्लासेस और महिलांसाठी ज्ञानाचा वर्ग उद्घाटन सोहळ्याचे उद्घाटक आपल्या जामनेर नगरीच्या प्रथम नगराध्यक्षा साधनाताई महाजन, सन्माननीय सर्व या ठिकाणी असलेले नगरसेवक, जामनेर एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव जितू भाऊ, उपाध्यक्ष सर्व नगरसेवक, या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व बंधू आणि भगिनींनो, ये आज का जो कार्यक्रम है
निश्चित रूप से बहुत सराहना कार्यक्रम है, जहां रोजगार तो दे रहे हैं अब हम, पढ़ाई भी दे रहे हैं। मैंने देखा है कार्यक्रम में ये दोनों चीजें बहुत कम जगहों पर मिलती है। यहाँ तो पढ़ाई दे रहे हैं अपन, पढ़ाई के देने के बाद में रोजगार भी दे रहे हैं। और उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि जिस महिला के लिए अपन ये प्रोग्राम आयोजित किया है, जो महिला अनपढ़ है, जिनको रोजगार के कोई साधन नहीं है, उनको रोजगार का साधन भी उपलब्ध हो और उनको पढ़ाई भी हो, ऐसे इस कार्यक्रम बहुत सराहनीय है। और बड़ी दूसरी खुशी की बात है कि अपने जामनेर नगरी का जो विकास का रथ है, वो भी अपने जामनेर नगरी के महिला के हाथ में है। इससे बड़ी खुशी की बात और हो नहीं सकती। निश्चित रूप से इस माध्यम से अपने जो अनपढ़ महिलाएं हैं, जो अशिक्षित है, उनका पढ़ने में, उनके रोजगार में बहुत उन्नति हो जाएगी। मेरी ये सब आयोजकों से, इस सोसाइटी के सब सदस्यों से अनुरोध है कि और से और महिला उसके शामिल हो जाए और उनकी तरक्की करने के लिए अपन कटिबद्ध हो जाए। यह कार्यक्रम बहुत सराहनीय है। मैं इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ और रुकता हूँ। थैंक यू। ये जो वार्ड है बिस्मिल्ला नगर का, ये 3 नंबर वार्ड है और यहाँ पे बहुत जल्द अभी अनकरीब एक प्रोग्राम हुआ है जिसमें भवन ने तकरीबन 4 करोड़ रुपए के कामों का भूमि पूजन किया है। और लियाकत भाई ने ये जो उपक्रम शुरू किया है, ये एक काफ़ी अच्छा उपक्रम है। इसके पहले शरीफ भाई ने भी ऐसा उपक्रम शुरू किया था। और बिस्मिल्ला नगर में अशिक्षित महिलाओं का वर्ग बहुत ज़्यादा है और लियाकत भाई ने इसकी, यहाँ की इस ज़रूरत को समझते हुए, जो बहुत सख्त ज़रूरत है उसको समझते हुए ये उपक्रम शुरू किया है। और यहाँ पे महिलाओं को इसमें एक रोज़गार मिलने के अवसर ज़्यादा है। इसी तरह से जो उम्र वाली महिला है उनको यहाँ पे प्रशिक्षण देने का, शिक्षण देने का काम, पौध शिक्षण का काम ये शुरू करने वाले हैं, जो वक्त की और हालात की आज ज़रूरत है। अगर ये महिलाएं अगर पढ़ना सीख ले तो इनको शासन की नई नई योजनाएँ, स्कीमें, आधार कार्ड के नाम दुरुस्ती, राशन कार्ड है और बहुत सारी चीज़ों के ये समझ सकती है, लाभ ले सकती है और अपने बच्चों को पढ़ा सकती है। बच्चे स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे, क्या मार्केट है, क्या रिजल्ट है, वो समझ सकती है। और मैं मेरी तरफ से और सभी की तरफ से लियाकत भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी तरह लियाकत भाई ने कुछ ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे बताई है कि उनको लगने वाली है, मुझे सूचना की है। सौ साधना भाई महाजन नगर अध्यक्ष ने, मैं उनके वती से लियाकत भाई को आश्वासन देता हूँ कि उनको जो भी ज़रूरत की चीज़ें नगर परिषद से, साई की तरफ से अपेक्षित है, वो हम पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। बोलते हैं दोस्तों, पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।